दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सॉल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सॉल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। और आज की एक वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा, बहुत लंबी वीडियो नहीं है, 4 से 5 मिनट की वीडियो मैं आज बना करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है इस वीडियो के अंदर जो कि आपको जानना काफी जरूरी है। यहाँ सामने एक कंप्यूटर आप देख पा रहे होंगे, ये कंप्यूटर कोर आई नाइन है भाई साहब की मशीन है। अभी इनको भी लाइन पे लेंगे, इनसे बात करेंगे, इनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हम तो सारा ही जानते हैं, आपको जानकारी दिलवा देंगे। ये कोर आई नाइन मशीन है और ये मशीन इन्होंने बनवाया था कहीं से, नेपाल से ये चलकर के आए हैं। नेपाल में कहाँ से आए हैं ये भी बात हम करवा देंगे। और इस मशीन की हालत इतनी ख़राब थी, वायरिंग से लेकर के या फिर परफॉर्मेंस से लेकर के, मतलब हर तरीके से, मतलब कि इस मशीन का और पैसे का जो लगाया था बेड़ा गर्क था। एक भाई साहब इनके साथ आए थे चल करके मशीन बनवाने के लिए, और उनका वीडियो शायद आप लोगों ने देख चुका होगा या आगे देखने को मिल जाएगा। उस दिन ये अपना कंप्यूटर उनके साथ लेकर के आए हुए थे, इस उम्मीद पे कि सर जी के पास जाएंगे तो बहुत सारे लोग जाकर के वहाँ पे पीसी अपना सही करवाए हैं, हो सके कि मेरा भी कुछ बेहतर हो जाए। मशीन में क्या क्या लगा हुआ है एक बार हम आपको दिखा देंगे, क्योंकि थोड़ा सा डार्क है इसका कैबिनेट। तो 2 RAM पहले से लगे हुए थे और बड़ा अलग ही फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रखा हुआ था इन लोगों ने। वायरिंग वगैरह डिस्टर्ब थी और कई सारी कमियाँ थी इस पीसी के अंदर। थोड़ा सा डार्क है इसका ग्लास तो देखने में दिक्कत हो रही होगी। फिलहाल अब ढक्कन ढुक्कन उतारेंगे नहीं, इन्हीं से हम बात करवा देते हैं। इनसे बात करके आप समझ लीजिए और संतुष्ट हो जाइए, क्योंकि आपको भी पता है मैं बहुत तामझाम वाली वीडियो बनाता नहीं, मैं रियलिटी पे विश्वास करता हूँ। ओरिजिनल चीज़ें बताना और सुनना मुझे पसंद है, बचपन से मेरी आदत रही है। भाई साहब को बुला लेते हैं। भैया जी आइए, कैमरे पे आइए। आपका शुभ नाम क्या है? रामबाबू पटेल। पटेल जी के पास माइक नहीं लगी हुई थी, हमने माइक लगा दिया ताकि धीरे भी बोलेंगे तो सुनाई देगी, वैसे तो मेरी आदत है तेज बोलने की। नेपाल में आप कहाँ से आए हैं सर? हम नेपाल बीरगंज से 21 नंबर वार्ड से आए हैं, पटेल नगर गांव का नाम ही है। ठीक है। एक जो उस दिन आपके साथ आए हुए थे भाई साहब, उनका क्या नाम था? जो पीसी राजेंद्र चौरसिया जी, उनकी भी वीडियो चैनल पे देखने को मिल जाएगी आप लोगों को, और उनके साथ में ये हैं, पहचान सकते हैं आप। जानकारी ये दीजिए भैया जी कि इस मशीन को जो आप अपने यहाँ पे लेकर के आए हैं मेरे पास सही करवाने के लिए जी, इस पे क्या क्या समस्याएं थी? सबसे पहले तो ये मशीन बताइए क्या है, कोर i7 है, i9 है, क्या है? ये सिस्टम i9 है। i9 का कौन सा जनरेशन है? 9th जनरेशन i9 है। i9 9th जनरेशन। ठीक। रीस्टार्ट हो जाता था। कब रीस्टार्ट हो जाता था? नॉर्मली रीस्टार्ट होता था? नहीं, रनिंग करते रेंडर पे आपका ट्रिप होकर के रीस्टार्ट हो जाता था। एक तो वीडियो रनिंग करने पर दो बार तीन बार हो जाता था। ठीक है। तो अब इसमें एक चीज और बताइए, 1 घंटे का रेंडर आप जब इस मशीन पे लगाते थे तो कितना टाइम लेता था पहले? शुरू में हम लोग ले आए थे तो 20 मिनट लग रहा था शुरू में, जब नया खरीदे नया था, और उसके बाद पुराना हो गया तो 40 मिनट लग रहा था। ठीक है। और बफरिंग वगैरह कैसी थी? टाइमलाइन डायरेक्ट स्मूथ चलती थी कि फंसती थी बाद में? नहीं, बाद में फंसती थी। शुरू में सही था, बाद में चलता था। ठीक है। अभी आपकी मशीन ओके हो चुकी है, जो भी कमी थी वायरिंग वगैरह भी आपका काफी गड़बड़ था, आपने देखा होगा, वो तो हमने नहीं दिखाया वीडियो में, लंबी हो जाती है वीडियो, क्या मतलब है वो सब दिखाने का, आप लोगों को पता ही है मैं काम किस तरीके से करता हूँ, साफ सुथरा काम रहता है। अभी बिल्कुल चमाचम है, आपने देखा है? देख ले। सही है, मजा आ रहा है देख करके, संतुष्ट है ना? संतुष्ट। चलिए ठीक है। अभी 1 घंटे का रेंडर लगा है, फुल इफेक्ट, इतना इफेक्ट डाले हैं, उतना इफेक्ट डाल के कोई मिक्सिंग करेगा ही नहीं, सही है ना सर? सही है, कोई डालता है? 1 घंटे का रेंडर कितना टाइम लगा है आपके सामने? अभी 20 मिनट 20 मिनट से नीचे था, 17-17 मिनट था। हम 17 मिनट था ना। एक भाई साहब और आए हुए हैं इनके साथ बगल में, एक बार कैमरा लीजिए इधर, ये भैया जी आए हुए हैं, ये सामने है, ये भी रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना, अपने चैनल वगैरह पे डालेंगे या अपने उधर के लोगों को दिखाएंगे। 1 घंटे का रेंडर हमने लगाया है, मात्र 17 मिनट लिया हुआ है, लेकिन 20 मिनट का है तो 20 मिनट ही मान लेते हैं, 20 मिनट का एवरेज भी हम बता देते हैं। ठीक है। लेकिन लगा है 17 मिनट, 18 मिनट 17 मिनट में निकल गया, पूरा कंप्लीट रेंडर मारे 1 घंटे का इनके सामने। और इनके आने से पहले मैंने कई बार रेंडर मार करके चेक किया हुआ है मशीन को एकदम, कि कहीं ट्रिप तो नहीं कर रहा है, कहीं बंद तो नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि भैया आप नज़दीक तो है नहीं, और नेपाल से आए हैं,
आने जाने में आपका 2 दिन लग जाएगा, दुनिया भर का पैसा लगेगा, मान लीजिए कोई कमी छूट जाए, कोई दिक्कत हो, फिर वापस भाग के आएंगे तो बहुत पैसा लग जाएगा ना, तो जितना का मुर्गी नहीं उतना उसमें मसाला आपको, समझ रहे हैं ना। तो आप भी पीड़ित हो जाएंगे, कहेंगे अरे सर इतना विश्वास करके इतने सारे लोगों का वीडियो जन्म पे सर जी ने डाला है और हम इतना विश्वास करके सर जी के पास गए मशीन लेकर के, मेरा नहीं बन पाया या मेरे साथ गलत हो गया, मैं बार बार दौड़ रहा हूँ, पैसा लगा रहा हूँ, समझ में आ रही है ना बात। तो मैं बड़ी बहुत ही तसल्ली से काम करता हूँ, ऐसा नहीं कि आप आए तो हड़बड़ हड़बड़ बना करके और दे करके पैसा वैसा ले लिया, हाँ हो गया जाइए जाइए, ये सिस्टम नहीं है। आपने उस दिन भी देखा होगा मेरा काम, देखें रिपेयर वाले काम में पूरा कंप्लीट 1 दिन का टाइम लेते हैं ताकि हम उसको 1 दिन चला करके देख सकें, 2-4-10 बार चेक कर लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना भाई, समझ रहे हैं ना, ताकि वो बंदा जाए तो दौड़ के ना आए। और रिपेयर वाले लोग मेरे पास बड़ी दूर से ही आते हैं, कोई नेपाल से, कोई त्रिपुरा से, कोई महाराष्ट्र से, कोई मध्य प्रदेश से, भाई पीड़ित है अगला तो परेशान है तो लेके आया है, आप भी तो परेशानी से बहुत परेशान थे हम, अब परेशानी दूर है ना, एकदम दूर है, देख के दिल खुश है, खुश है ना, भगवान आपका कल्याण करे पशुपतिनाथ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकर के जाएंगे, पैसा कमाएंगे, मशीन बढ़िया चलेगा, मेरी शुभकामनाएं है, और बढ़िया चलेगा तभी कमा पाएंगे, सही है ना, बढ़िया नहीं चलेगा तो कहाँ कमा पाएंगे। अगर आप भी अपने कंप्यूटर से परेशान हैं तो आप आकर के सही करवा सकते हैं, या वीडियो एडिटिंग के लिए अगर आप पीसी बिल्ड करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और कंप्यूटर से संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो एडिटिंग का प्रोजेक्ट डेटा मेरे पास उपलब्ध है, आप खरीद सकते हैं, मंगवा सकते हैं घर बैठे, कोई दिक्कत नहीं, आने की कोई जरूरत नहीं, घर बैठे मंगवा सकते हैं, पार्सल से आकर के लेके जाना चाहते हैं तो आकर के भी लेकर के जा सकते हैं। भेजने के लिए पार्सल तो मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने पार्सल से भेजे हैं, उसका मैंने YouTube पे वीडियो डाला हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, आपने भी देखा होगा, देखें वो देखें जो पैकिंग हो रहा था जी बैठाने के लिए, रोज ही निकलते रोज जाते हैं पीसी, तो काम पूरे ईमानदारी से, कहीं से इसमें कोई फ्रॉड वाला या धोखाधड़ी वाला काम नहीं है। एक बार भाई साहब से भी जान लेते हैं, सर कोई ऐसा आपको नहीं ना लगता है? नहीं एकदम कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आज दिल से भी आज मेरे दिल बाग बाग हो गया है। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, भगवान भोलेनाथ का भी बहुत बहुत धन्यवाद, माँ सरस्वती का धन्यवाद कि भाई उसने हमको इतना विवेक दिया है तभी ना, सही है ना सर, गलत बोल रहे हैं, सही है, पूरा इफेक्ट डालकर रेडिंग हुआ है तो मेरा दिल बाग बाग खुश हो गए हैं, खुश हो गए। आप एक बार देखें, हम उसको कम से कम 20 बार चेक कर चुके हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ले जाइए। सर जी एक जानकारी और दे दीजिए, ये मशीन आपने जो बनवाया है जी सर, ये कितने का आपने बनवाया था उस समय जब आपने बनवाया था? उस समय में 1,85,000 नेपाली, 1,85,000 नेपाली रुपए का आपने बनवाया था, बनाया था। और कहाँ बनवाया था आपने इसको? बुटवल में, बुटवल बनवाया था, पुल के पास, पुल के पास, अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छी बात है भाई, दुकानदार तो कोई भी बढ़िया ही करता है अपने तरीके से, कोई भी खराब नहीं करता है, लेकिन यह है कि जिस हिसाब से बनना चाहिए उस हिसाब से मशीन नहीं बन पाई थी, मदरबोर्ड की सिलेक्शन, रैम की फ्रिक्वेंसी, उसकी मेगाहर्ट्ज़ की सिलेक्शन, कई सारी कमियां थी, अब क्या क्या बताएं, किसी की मतलब आप समझ सकते होंगे किसी को बदनामी करने से क्या मतलब है, बस ये था कि भाई परेशानी थी दूर हो गया, कोई अब कोई समस्या वाली बात नहीं है, ओके है मशीन, चलिए ठीक है, आगे कुछ जानकारी और हम आपको उपलब्ध करवा देते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि भैया जी की जानकारी से और मेरी जानकारी से संतुष्ट हो चुके होंगे, इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए पीसी बिल्ड वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।